मुख्यमंत्री जी से एक अधिक बार अपील की, उनकी भी हालांकि इच्छा इस आयोजन में उपस्थित रहने की थी, परंतु अन्य महत्वपूर्ण कारणों के कारण वहां उपस्थित नहीं हो पाए। परंतु उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की और सतत पूछते रहे क्या तैयारी, क्या आयोजन की तैयारी चल रही। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना संदेश दिया है जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल तथा कुशाभा ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा रायपुर में प्रखर पत्रकार राष्ट्रवादी चिंतक एवं आचार्य देश सेवा के लिए समर्पित साहित्यकार मनीष पंडित माधवराव सत्रे जी की 137वीं जयंती के अवसर पर स्मृति प्रसंग का आयोजन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी हिंदी नवजागरण और पंडित माधवराव सत्रे के माध्यम से देश के गणमान्य साहित्यकार पत्रकार एवं बुद्धिजीवी सत्रे जी के अविस्मरणीय अवदान का सही आकलन कर सकेंगे। सत्रे जी ने राष्ट्रवादी चिंतन और वैचारिक पत्रकारिता का जो सूत्रपात मध्यपान में किया है वह अतुलनीय है। उनके महान अवदान को चिरस्थायी बनाने तथा उस पर शोध एवं अनुसंधान करने की दृष्टि से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत माधवराव सत्रे राष्ट्रवादी पत्रकारिता शोधपीठ की स्थापना की जाती है। शासन द्वारा इस वर्ष के बजट में इस शोधपीठ के लिए आवश्यक प्रावधान भी कर दिया गया है। इसी के साथ मीडिया में विकास संबंधी मुद्दों को प्रमुखता मिले और इस दिशा में सकारात्मक काम हो, इस दृष्टि से इस सत्र से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में 1,00,000 रुपए की 2 फेलोशिप प्रारंभ की जा रही है। यह फेलोशिप छत्तीसगढ़ की 2 महान रचनाकार विभूतियों श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा श्री हरि ठाकुर के नाम से प्रतिवर्ष दी जाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। इसके साथ एक और बहुत हर्ष और आनंद की अनुभूति के साथ एक बात आपके साथ पाठ करना चाहता हूँ। पंडित माधवराव सत्रे जी के जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर देश के 2 पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रायपुर भोपाल तथा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर ने अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए एक साझा अनुबंध भी किया है और भविष्य में ये अनुबंध के तहत दोनों विश्वविद्यालय में कई और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ।